हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रोमांस ये 2006 की एक कोरियन रोमांस ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी है, तो अंत तक बने रहिए। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है ह्यून, इसे हम देखते हैं। ह्यून एक पुलिस ऑफिसर है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि गैंगस्टर के फ्यूनरल पर वो आया हुआ है। वहाँ और भी गैंगस्टर्स हैं, तो उनके साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई कर जब वो वापस आता है तो वहाँ बहुत सारे पुलिस आए हुए हैं। उसके सुपीरियर्स उसे कहते हैं कि तुमने जो किया है वो बहुत ही गलत था। गैंगस्टर इन्फ्लुएंशियल था, तो इसी वजह से उसने ह्यून का ट्रांसफर करवा दिया है। ह्यून चिढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो भी किया वो सब सही था। जो करप्शन चल रहा है इसके बारे में उसे सब कुछ पता है। उसे कंट्रोल करने के लिए दूसरे पुलिस आए हुए हैं, उन्हें भी वो मारता है। अभी अभी हमने जो सीन देखा यह बहुत सालों पुराना था। इसके बाद बहुत सारा टाइम गुजर चुका है। ह्यून के साथ क्या क्या हुआ है यह भी हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम अपने फियांसे के साथ अपनी वेडिंग शॉपिंग के लिए आई हुई है। उसने एक ब्यूटीफुल ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ है। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और उसे ह्यून ट्रैफिक में दिखा। ह्यून अभी भी किसी से लड़कर आया था, तो उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है। इसी तरह से पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में ह्यून के पास उसके फ्रेंड्स आते हैं। उसे कहते हैं कि हमारा एक नया बॉस आया है, उस बॉस से मिलने के लिए ह्यून को जाना पड़ेगा। जब ह्यून इस बॉस को देखता है तो हम देख सकते हैं कि ये वही बॉस है जो ह्यून के पास्ट में था। ह्यून ने इसे करप्ट बोला था और इसे मारा भी था। इन दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी है। बॉस जब ह्यून की फाइल देखता है तो कहता है कि तुमने तो अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी है, तुम खुद करप्ट बन गए, तुम्हारे वाइफ ने भी तुम्हें छोड़ दिया, एक अल्कोहलिक हो, तुम मुझे घटिया आदमी समझते थे, अब देखो तुम्हारा क्या हुआ है। ह्यून इस मीटिंग से अपसेट होकर अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने के लिए बाहर जाता है। ड्रंक होकर घर आता है। हर रोज इसी तरीके से वो ड्रंक होता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री वर्कर कुछ लोगों को चाकू दिखा रहा था। ह्यून वहां पहुंचा और उसे चाकू उसने ले लिया। इस वर्कर को ह्यून जानता है, उसे पता है कि ड्रग्स करता है। उसके लॉकर में चेक करने के बाद उसे बहुत सारे ड्रग्स मिल भी जाते हैं। ये वर्कर उसे कहता है कि ड्रग्स तुम ले लो और इसे बेच दो, तुम्हारी लाइफ वैसे भी बर्बाद हो चुकी है। ह्यून हमेशा इस वर्कर को समझाता रहता था, कुछ भी वो गलत करे तो उसे समझा कर उसे छोड़ देता था। इस बार ये वर्कर ह्यून को कहता है कि तुम कुछ भी मुझे एडवाइस नहीं दे सकते, तुम्हारी लाइफ भी मुझसे ज्यादा बर्बाद है। इस सीन से इनके डायलॉग से हमें पता चलता है कि ह्यून प्रीवियस में एक बहुत ही अच्छा आदमी था, इम्पथेटिक और सबकी केयर करता था। उसकी वाइफ और बेटा था जिनसे वो बहुत प्यार करता था। रात में हम देखते हैं किम अपने फियांसे जॉन के साथ पुलिस स्टेशन में है। जॉन किम को पब्लिक में मार रहा था। एक पुलिस ऑफिसर ने उसे देख लिया और अरेस्ट कर ले आया है। जॉन पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा भी डर नहीं रहा। वो कुछ कॉल्स लगाता है और उसे पुलिस को जाने देना पड़ता है। जिस पुलिस ने जॉन को अरेस्ट किया था वो उन्हें बॉस से कहता है कि ऐसे कैसे हम इसे जाने दे सकते हैं, पर जॉन को ऊपर से सपोर्ट है इसलिए उसे जाने देना पड़ता है। ये जो सब हो रहा था ये सब ह्यून देख रहा था। पार्किंग में जब जॉन गाड़ी निकालता है तो किम उसके साथ नहीं जाना चाहते। उसके पास आता है और उसे जबरदस्ती करता है। कहता है कि मेरी ऑर्डर तुम ना सुनो, ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। किम कहती है मेरी सिस्टर से उसकी डाउरी के बारे में मुझे बात करनी है। जॉन किम को कहता है तुम्हें इसके बारे में ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वहां से चला जाता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि किम की सिस्टर को जॉन उसकी डाउरी में पैसे देने के लिए हेल्प कर सकता है, इसीलिए सिर्फ इसीलिए किम उसके साथ है। एक अब्यूसिव रिलेशनशिप है पर किम इससे खुश नहीं है। वो रास्ते से चल रही थी और उसके दिमाग में आया कि उसे सुसाइड कर लेनी चाहिए, इस लाइफ से तो सुसाइड अच्छी है। वो एक ट्रक के सामने आने ही वाली थी तभी ह्यून ने उसे बचा लिया। ह्यून ने सब कुछ देखा था इसीलिए उसके पीछे ही वो था। ह्यून उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता है, उसकी मलम पट्टी वगैरह करता है। घर जाते वक्त ह्यून किम से कहता है कि अगर तुम्हारा रोने का मन हो तो रो डालो, तुम्हारी फीलिंग्स को ऐसे मत दबाओ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जॉन किम के साथ अपनी एक फैमिली फोटो ले रहा होता है। यहाँ पर किम सही से स्माइल नहीं करे तो इससे जॉन नाराज हो जाता है। वो एक पब्लिक इवेंट में किम के साथ जाने वाला था पर वो किम को कहता है कि तुम लोगों के साथ नेचुरल नहीं रहती, उसे वो घर ही छोड़ जाता है। किम फिर पार्क में घूमने के लिए आती है। इसी पार्क में ह्यून भी है। पेड़ के नीचे अपनी वाइफ को उसने कॉल लगाया है। आज उसके बेटे का बर्थडे है और उससे वो थोड़ी सी बात करना चाहता है।
पर उसकी वाइफ उसे नहीं करने देती। उसके बेटे के लिए स्टफ लायन भी उसने बाय किया था, उसे देना चाहता था। वो गिड़गिड़ाता है पर फिर भी उसकी वाइफ मना कर देती है। वो फूट फूट कर रो रहा था और ये सब किम ने देख लिया। रात में हम देखते हैं कि फिर से जॉन किम के पास आता है। वो किम को समझाता है और कहता है कि अब तक मैं पॉलिटिशियन नहीं बना हूँ, एक बार मेरे हाथ में पावर आ जाए तो तुम्हें जैसी मर्जी होगी वैसा तुम रह सकती हो। तुम्हें अगर नहीं लगता कि आज तुम्हें स्माइल करना चाहिए तो मत करना, लोग तुमसे डरेंगे और सब तुम्हारा एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में बॉस ने सब लोगों की मीटिंग बुलवाई है। उन्हें एक क्रिमिनल को पकड़ना था पर वो पकड़ नहीं पाए। इन सबको बहुत डांटता है। ह्यून को भी वो पर्सनली अटैक कर कर बोलता है। ह्यून का एक अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम है एडी। एडी ह्यून को समझाता है कि उस पर थोड़ा भी ध्यान मत देना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्यून जब रास्ते से जा रहा था तब उसे किम ने देख लिया। कल ह्यून जब पार्क में था वो दुखी था क्योंकि अपने बेटे को उसका प्रेजेंट नहीं दे सकता। वह स्टफ लाइन वो वही छोड़कर चला गया था। ये किम के पास है, उसके पास आती है और कहती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट था, मैं ऐसे ही वहां उसे नहीं छोड़ सकती थी। वो गिफ्ट वो ह्यून को वापस कर देती है। ये कहकर वहां से वो जा रही थी तभी ह्यून उसे रोक लेता है। ये बातें करते हैं और इसके बाद डिनर के लिए एक जगह पर आते हैं। इस जगह का डिनर ह्यून को बहुत पसंद आता है। वो फास्टली खा रहा होता है, उसे फिर रियलाइज होता है और किम को कहता है कि सॉरी मैं जरा फास्ट खा रहा हूँ। किम कहती है अच्छा फूड डायरेक्टली हार्ट तक जाता है। ह्यून ये सही से समझ नहीं पाता और थोड़ा सा हंसता है। इनका डिनर खत्म होने के बाद किम यहाँ से जाने वाली है पर ये स्ट्रीट के अदर साइड पर टैंगो का क्लास देखते हैं। किम को टैंगो बहुत पसंद है। ह्यून पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। किम कहती है शादी से पहले मैं टैंगो सीखती थी, उसे टैंगो डांस करना बहुत अच्छा लगता है। ह्यून फिर पूछता है क्या तुम्हें डांस करना है और उसे डायरेक्टली वहां लेकर जाता है। वहां के इंस्ट्रक्टर से वो मिलते हैं। इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आज लेट हो चुका है और स्टूडियो बंद करने वाले हैं। ह्यून उसे एक फिरकी देता है, कहता है कि आज हम दोनों का इस शहर में लास्ट डे है, प्लीज हमारे लिए एक टैंगो डांस करने दो। इंस्ट्रक्टर भी इसके लिए मान जाता है। किम फिर वहां के स्टूडेंट के साथ ब्यूटीफुल डांस करती है। ह्यून ने किम की विश कंप्लीट की तो उसे बहुत अच्छा लगता है। डांस करने के बाद किम बहुत पानी पीती है। ह्यून फिर उसका ही डायलॉग उसे वापस करता है। वो कहता है अच्छा पानी हार्ट तक पहुंचता है। ये दोनों इस पर बहुत हंसते हैं। जाते वक्त ह्यून किम से कहता है नेक्स्ट टाइम मैं एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढ कर रखूंगा जहां पर पीसफुली तुम डांस कर सकोगी। उसने नेक्स्ट टाइम कहा तो ये सुनकर वो सरप्राइज्ड है। ह्यून से गुड बाय लेकर वो आगे चलने लगती है। ह्यून किम को उससे दूर जाता हुआ देख रहा था। अचानक से बारिश आ गई। वो भागते भागते उसके पास गया, उसे उसने गले लगा लिया। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम घर आ चुकी है। उसकी मदर उसे मिलने के लिए आती है। किम अपने कपड़े चेंज कर रही थी तब उसके बॉडी पर मदर ने बहुत सारे निशान देखे पर वो कुछ भी नहीं बोली। जॉन किम को बहुत मारता है पर इन सबको सपोर्ट करता है इसीलिए मदर ने उसे इग्नोर कर दिया। किम ने ह्यून को कहा था कि तुम एक अच्छा आदमी हो, तुम्हें स्माइल करते रहना है, तुम्हें स्माइल करता ही मुझे रिमेम्बर करना है। ये सब चीजें ह्यून याद कर रहा था। ह्यून जब अपने फ्रेंड एडी के साथ लंच करता है तो उसका फ्रेंड भी उसे समझाता है, कहता है कि अपनी लाइफ तुम अब सही करो, जरा एक राइट ट्रैक पर आ जाओ। बॉस ह्यून को हेट करता है, उसी वजह से बाकी लोगों को भी तकलीफ हो रही है। ह्यून से उसका एक कलीग बात करता है, कहता है कि तुम्हारा ट्रांसफर हम करवा सकते हैं, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो सबके लिए सही होगा। ह्यून भी इस पर थोड़ा सा सोचता है। किम जॉन के साथ खुश नहीं है, उसे बचाना चाहता है। वो पूछता है कि क्या नए एरिया में उसे अच्छे से अर्निंग होगी। एक दिन इन्फ्लुएंशियल लोगों का एक बड़ा सा इवेंट होने वाला था, वहां पर सिक्योरिटी के लिए सब पुलिस को ड्यूटी दी गई थी, यहाँ पर ह्यून भी था। थोड़े देर में जॉन और किम ये दोनों वहां पहुंचे। इन दोनों ने एक दूसरे को नोटिस किया और एक शांत जगह पर आकर एक दूसरे से मिले। वो कैसे है ये एक दूसरे से पूछा। थोड़ी देर में वहां कोई आ गया तो किम वहां से भाग गए। ये दोनों एक दूसरे के साथ थे, ये ह्यून के बॉस ने देख लिया। सब बात उसने जॉन को बता दी। जॉन इस इवेंट में बिजी था तो किम वहां से भाग गए। उसके ओल्ड हाउस में मिलती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इस घर में उसके बहुत सारी यादें हैं। उसके फादर कारपेंटर थे तब उनका बहुत सारा वर्क इसमें है। ह्यून फिर किम को उसके घर लेकर आता है। किम घर में देखती है तब ह्यून को बेस्ट शूटिंग के लिए एक अवार्ड भी मिला था, ये वो देखना चाहती है तो ह्यून उसे शूटिंग के लिए लेकर आता है। वो बहुत ही स्किलफुल है। वो फिर किम के हाथ में गन देता है, कहता है कि तुम भी ट्राई करो। ट्रिगर पुल करते हो
सब कुछ तुम्हारे इमोशंस तुम बाहर निकालो। ट्रिगर पुल करते वक्त किम बहुत रोती है। ह्यून उसे सहारा देता है। किम रात भर घर नहीं आई तो जॉन बहुत गुस्सा हो गया। सुबह किम का पता निकाल कर उसे डायरेक्टली उठवा लिया। जॉन बहुत ही गुस्से में है और घर की चीजें भी उसने तहस नहस की हुई है। वो किम को कहता है कि तुमने जो भी किया होगा मैं इसके लिए तुम्हें माफ कर सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर अब किम कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जॉन ये मानने के लिए रेडी नहीं है। वो कहता है कि तुम बीमार हो इसलिए ये सब बात कर रही हो, तुम्हें कुछ अलग हो गया है, तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। किम अभी भी मानती नहीं। जॉन फिर गुस्सा होकर डायरेक्टली किम को मेंटल हॉस्पिटल में रख देता है। किम को शॉक देखकर उसकी मेमोरी वो इरेज करने वाला है। ह्यून के घर पर उसके बॉस आते हैं, उसे वो बहुत मारते हैं। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि एक वर्कर से ह्यून ने ड्रग्स लिए थे। उसी वर्कर से इन्फॉर्मेशन निकाल कर वो ड्रग्स ह्यून के घर में बॉस ने ढूंढ लिए है। उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उसे जेल में डाल सकते हैं, पर वो ये नहीं करते। एक जगह पर उसे लेकर आते हैं, जबरदस्ती बहुत सारी दारू पिलाते हैं। जॉन भी ये सब देखने के लिए यहाँ आता है। जॉन के ऑर्डर पर ही ह्यून का बॉस ये सब कर रहा था। इनका प्लान है ओवरडोज करेंगे, उसे पावरफुल ड्रग्स का इंजेक्शन भी देते हैं जिससे ह्यून मर जाए। बाद में उसकी बॉडी पर अल्कोहल डालकर उसके मुंह में सिगरेट देते हैं, यानी कि सिगरेट की वजह से आग लग जाए। जब सब लोग वहां से चले गए तो सिगरेट की वजह से आग लग सकती थी, पर बारिश आ गई। ह्यून ने फिर अपने फ्रेंड एडी को कॉल कर दिया। वो इस हालत में भी किम को याद कर रहा था और उसी के लिए जीना चाहता था। डॉक्टर ह्यून का इलाज करते हैं और एडी को कहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रहा है। ह्यून को जब होश आता है तब उसे समझाने के लिए एडी उसके पास आता है। वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, एक पागल लड़की के लिए सब कुछ तुम दांव पर क्यों लगाना चाहते हो। ह्यून कहता है कि मैं हंसना भूल गया था, उसके साथ जब मैं था तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मैं फिर से हंसने लग गया। अभी यहाँ पर उनका बॉस आ जाता है। वो ह्यून को कहता है कि तुम नहीं मरे, ये भी ठीक है, पर फिर भी तुम जेल में ही रहने वाले हो। वो ह्यून पर गन भी लगाता है। वो उसे कहता है कि मेंटल हॉस्पिटल में है, उसका हम पूरा ब्रेन वॉश कर देंगे। ये सुनकर ह्यून बहुत ही गुस्सा हो गया। बॉस की गन लेकर उसे उसने हॉस्टेज बना लिया। वो डायरेक्टली उसे मेंटल हॉस्पिटल में लेकर आता है, एक जगह पर बांध देता है। किम को ढूंढकर एक डॉक्टर को उसका इलाज करने के लिए कहता है। ह्यून का पीछा करते करते पुलिस भी आ गए थे, अगर वो उसे लेकर गए तो किम नहीं बचेगी, इसीलिए डॉक्टर को ह्यून ने हॉस्टेज बना लिया है। किम का इलाज करने के बाद थोड़ी देर में उसे फिर से होश आता है। ये सब बात जब मीडिया को पता चलती है तब जॉन की बहुत बदनामी होती है। हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे पुलिस आ चुके हैं। ह्यून यहाँ से जिंदा बाहर जाए इसके कोई भी चांसेस नहीं है। ह्यून का फ्रेंड एडी उसे बचाना चाहता है। वो अपनी सुपीरियर से बात करता है पर वो कुछ भी कर नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि जिस वर्कर ने बॉस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनके पास ड्रग्स है, वही एडी को कॉन्टेक्ट करता है। वर्कर को भी वो लोग मार डालने वाले थे। जब ह्यून को वो टॉर्चर कर रहे थे तब उसका वीडियो उसने बना लिया था। एक मैसेज के साथ ये वीडियो वो एडी को भेज देता है। अब किम को होश आ चुका है। वो ह्यून से कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम जिंदा बच सकते हो, मुझे यहाँ से प्लीज जाने दो। ह्यून कहता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों को मार डालेंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये फिर एक दूसरे को गले लगा कर रोने लगते हैं। एडी को जो वीडियो मिली थी अपने सुपीरियर को दिखाता है। इससे प्रूव हो चुका है कि ह्यून ने कुछ भी गलत नहीं किया। एडी ह्यून को कॉल लगा कर कहता है कि शायद अगर मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाया तो तुम टेरेस पर जाना, टेरेस पर मीडिया नजर रख रहे हैं तो वहां तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। थोड़ी देर में रात हो जाती है। जॉन अब डिसाइड करता है कि इन दोनों को मार डालेगा। वो अंदर स्वैट टीम को भेज देता है। ह्यून और किम फिर दोनों लड़ते लड़ते टेरेस पर आ जाते हैं। जॉन ने जब ऑर्डर दिया तब उसके तुरंत बाद एडी ने उसे अरेस्ट कर लिया था। ह्यून और किम दोनों टेरेस पर जब आए तभी सब लोगों को लग रहा था कि ह्यून एक क्रिमिनल है। ऊपर बड़े से स्क्रीन पर एडी वीडियो चलाता है जिससे प्रूव हो जाता है कि ह्यून ने कुछ भी गलत नहीं किया। ह्यून का बॉस भी टेरेस पर था, उसे अब स्वैट टीम अरेस्ट कर रही थी। ह्यून की वजह से यह सब हुआ है इससे वो बहुत गुस्सा था। उसने गन निकाली और ह्यून और किम पर चलाई। किम नहीं चाहती थी कि ह्यून को कुछ भी हो जाए। ह्यून को प्रोटेक्ट करते करते उसे ये सब गोलियां लग गए। ह्यून के आर्म्स में ही उसकी डेथ हो जाती है। ह्यून का बॉस अभी भी जिंदा है, उसे स्वाट टीम ने पकड़ कर रखा है। ह्यून ने अगर बॉस को जाने दिया तो उसे कुछ भी नहीं होगा। स्वैट टीम उसे वार्न करती है कि तुम अपनी गन नीचे रख दो, किम के बिना वो नहीं रह सकता। वो बॉस को मार डालता है। ह्यून पर स्वैट टीम बहुत सारी गोलियां चलाती है। ह्यून और किम
टेरेस पर एक दूसरे के साथ ही मर जाते हैं। मरते मरते ह्यून ने किम के साथ जो भी सारे ब्यूटीफुल पल बिताए थे ये सब वो याद करता है। इसमें से एक मूवमेंट में हम देखते हैं किम ह्यून को टैंगो डांस कैसे करना है ये सिखा रही थी। इन्हीं हैप्पी मेमोरीज के साथ ये दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं। इसी तरीके से मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।